हेलो फ्रेंड्स, डॉटनेट की इस वीडियो सीरीज में आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम थियरी कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल इनहेरिटेंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी देखेंगे। इनहेरिटेंस इज नथिंग बट वेयर वन क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, उसको हम इनहेरिटेंस बोलेंगे। सेकंड पॉइंट है The class whose member are inherited, इसमें आप वर्ड को ध्यान से समझेगा। The class whose member are inherited is called the base class, उसका दूसरा नाम है parent class, and the class that inherits, यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया है, inherits, those member is called the derived class, उसका दूसरा नेम है चाइल्ड क्लास। उसके बाद हम एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। सबसे पहले इनहेरिटेंस प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी, मींस अगर सेम प्रोग्रामिंग में आपको कोड दूसरी बार यूज करना है, रीयूज करना है, तो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस इट कैन बी पॉसिबल। उससे अगेन सेकंड और थर्ड दोनों बेनिफिट उससे रिलेटेड है। जब भी हम कोड को रीयूज करते तब डुप्लीकेशन कोड का रिड्यूस होता है, मींस सेकंड पॉइंट रिड्यूस कोड रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन। थर्ड वन इज रिड्यूस सोर्स कोड साइज। तो ये थे एडवांटेजेस। उसके बाद डिसएडवांटेज देखते हैं। इन इनहेरिटेंस बेस क्लास मीन्स की पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास मीन्स की डिराइव क्लास आर टाइटली कपल। सो इफ यू चेंज द कोड ऑफ पेरेंट क्लास इट विल गेट इफेक्ट टू द ओल्ड द चाइल्ड क्लास। तो ये था थियोरी कंसेप्ट इनहेरिटेंस का। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट होता है। इसमें हमने दो क्लास बनाए हैं, क्लास शेप एंड क्लास रेक्टेंगल। ये हमारा पेरेंट क्लास है और बेस क्लास बोलेंगे इसको शेप, और ये हमारा चाइल्ड क्लास है। बेस क्लास में हमने दो फंक्शन सेट विड्थ एंड सेट हाइट दो फंक्शन बनाए, वेरिएबल विड्थ एंड हाइट, उसमें हम फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट में वैल्यू मिलेंगी वो सेट करेंगे। और रेक्टेंगल क्लास है उसमें गेट एरिया फंक्शन है, उसमें विड्थ एंड हाइट की मल्टीप्लिकेशन की हुई है। मेन में हमने एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है रेक्टेंगल का, और विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वी आर सेटिंग द वैल्यू ऑफ विड्थ एंड हाइट विद दी फंक्शन। ये दोनों फंक्शन सेप क्लास में है, फिर भी हम रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू ये वैल्यू सेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ओनली द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके बाद रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट थ्रू गेट एरिया मेथड जो है वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट देखते हैं। तो प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट मिलेगा हमें 32। आर्ग्यूमेंट जो पास की हुई है वो है 84, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके टोटल एरिया जो है वो क्या मिलेगी 32। तो ये था कंसेप्ट हमारा इनहेरिटेंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।